गुलाम मोहम्मद भाई, इनका सवाल ये था कि अगर किसी के पीछे के जगह से, लेटरिन के जगह से कीड़ा निकले तो कैसे में उसका वजू टूट जाएगा। तो मर्द औरत हो, आगे या पीछे की जगह से अगर कीड़ा निकलेगा तो उसका वजू टूट जाएगा। अब ये कि कीड़ा निकल रहा है नहीं निकल रहा वगैरह के मसाइल हैं, तो इसमें वजू कब टूटेगा कब नहीं टूटेगा, तो इसके लिए जो आपने सवाल लिखा है तो बेहतर है करीबी मस्जिद में जाके किसी आलिम से पता करें। अगर ये कि कीड़ा जिस्म से निकल गया है तो फिर वो वजू बाकी नहीं रहेगा, नमाज के दौरान निकला है तो भी वजू टूट जाएगा, फिर उस वजू को दोबारा दोहराना पड़ेगा। और अगर नमाज वगैरह पढ़ने के बाद निकला है तो वो नमाज हो जाएगी कि जिसमें जिस्म से कीड़ा नहीं निकला था। लेकिन आप अगर बता रहे हैं कि भाई पूरा नहीं निकला या बार बार कीड़े ज़्यादा निकल रहे हैं, तो जाहिर है कि अगर कीड़े निकल रहे हैं तो वजू बाकी नहीं रहेगा। और कीड़े ना निकले उस वक्त वजू करके नमाज पढ़ी जाएगी तो वो नमाज हो जाएगी। तफसील के लिए आपको एक मरतबा जाकर मुलाकात रूबरू कर लेनी चाहिए।